सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बहुत अहम एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये मौजू यूपी से शुरू होना चाहिए और आगे पूरे देश में जमहूरियत के लिए लड़ाई शुरू होना चाहिए। ये पहली शुरुआत है यूपी की मुजफ्फरनगर से। हम लोग आने के टाइम में संघ परिवार को सिर्फ दो ही रास्ता है, एक तो सही हो जाओ, नहीं है तो सही हो जाओ, तीसरी रास्ता नहीं। तीसरी रास्ता के लिए संघ परिवार कोशिश मत करना है, अगर कोशिश किया है तो वो बेवकूफी काम है, आप लोग बेवकूफी काम मत करना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट याद रखिए, ये शुरुआत है। आप लोग जो बिल लेके आया है वो सारे बिल आपको वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे देश की जनता ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इजाजत नहीं देगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं हम तो हिंदू सरकार बनाएंगे, हिंदू सरकार बनाएंगे। हमारे सवाल ये है राहुल जी, आपके हिंदू सरकार में मुसलमान की जगह कहां है, दलितों की जगह कहां है, ओबीसी वालों की जगह कहां है, हमारे देश की दूसरी माइनॉरिटी की जगह कहां है? एक नारा ये है भूख से आजादी और एक खौफ से आजादी। हमारे देश के दो बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसले हैं, ये दो मसले से हमारे सबको आजादी मिलना है। उसके लिए काम करने वाला सियासी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंच पे बैठे हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल जिम्मेदार नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब, बीएम कामले साहब, मोहम्मद शफी साहब, राष्ट्रीय महासचिव सीताराम कोयवाल जी, यास्मीन फारूकी साहिबा, राष्ट्रीय सचिव अल्फोंसो फ्रांगो, नेशनल वर्किंग कमिटी मेंबर्स जहीर अब्बास साहब, कमलापति त्रिपाठी और हमारे प्रोग्राम में आए हुए सरदार गुरजन सिंह और बाकी सभी भाई और बहनों, सबसे पहले ये ठंडी मौसम में एसडीपीए की आवाज सुन के यहाँ पे आए हुए सभी भाई और बहनों को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पे हम लोग एक जमहूरियत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है, क्योंकि हमारे जमहूरियत के बारे में बहुत सारे चर्चा होने का वक्त है। हम लोग एक अहम एजेंडे को लेके ये बड़े कॉन्फ्रेंस तय किया है, क्योंकि हमारे देश की खसूसियत, हमारे देश की खसूसियत में हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे भाषा है, बहुत सारे संस्कृति है और हमारे देश की खसूसियत हमारे देश की जमहूरियत है। लेकिन अभी ये सब के ऊपर हमला शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले
पार्लियामेंट के अंदर हमारे संविधान की प्रयाम्बर को क्वेश्चन करते एक बिल पास करने की कोशिश चल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में चर्चा चल रहा है, मतलब हमारे संविधान को चेंज करके नए संविधान लाने के लिए संघ परिवार कोशिश कर रहा है। और हमारे देश की जमहूरियत को खत्म करके फासिस्ट सरकार चलाने की कोशिश चल रहा है। आप सुना होगा हमारे देश में बीजेपी हमेशा ये कह रहे है हमारे मकसद विपक्ष मुक्त भारत है। उसका मतलब क्या है? बीजेपी के अलावा किसी सियासी पार्टी हमारे देश में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश जमहूरियत सिस्टम है तो इसमें बहुत सारे पार्टियां काम करेंगे, बात करेंगे, सियासी चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी को वो पसंद नहीं। बीजेपी हमेशा ये कह रहे विपक्ष मुक्त भारत, और जज्बे से नहीं बोल रहे, जान पूछ के हमारे देश की जमहूरियत को खत्म करने के प्लानिंग में ये बात कर रहे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात चल रहा है, अलग अलग नया नया कानून बना रहे, ये देश की संस्कृति को खत्म करके हमारे देश को खराब करने के लिए कोशिश चल रहे है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जमहूरियत कॉन्फ्रेंस बहुत अहम एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये मौजू यूपी से शुरू होना चाहिए और आगे पूरे देश में जमहूरियत के लिए लड़ाई शुरू होना चाहिए। ये पहली शुरुआत है यूपी की मुजफ्फरनगर से, क्योंकि हमारे देश की आजादी जंग में बहुत सारे कुर्बानियां मगरबी यूपी से हुआ। हमारे देश की इतिहास में मगरबी यूपी के लड़ाई छोड़ के कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए ये नए आजादी लड़ाई में हमारे आवाज मगरबी यूपी से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है हमारे देश में। हमारे देश में एक सरकार है, सरकार हर दिन अलग अलग कानून बना रहे। ये कानून किसी लिए, किसके लिए, वो सरकार को भी खुद पता नहीं, सरकार को भी पता नहीं। अभी देखिए 4 दिन पहले एक कानून पास किया, खवातीन की शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए, ठीक है। वजह क्या है? थोड़ा मैच्योरिटी 21 साल में होगा, ये तो फिर 18 साल को वोट देने का पावर क्यों दिया है? 18 साल उम्र वालों ने वोट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैच्योरिटी नहीं चाहिए क्या? मतलब क्या बना रहे, क्या किसने ये बना रहे पता नहीं। वो भी हमारे देश में और एक कानून है, वो कानून क्या है? एक लड़के के साथ एक लड़की को लिविंग टुगेदर बोलते रहने के लिए पावर है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर निकाह करना है, शादी करना है तो 21 साल होना चाहिए। उससे पहले भी बहुत सारे बिल हमारे देश में पास किया,
कुछ तो हमारे देश को तकसीम करने जैसे किया है। कश्मीर में 370 को हटाया, कश्मीर की दो हिस्सा बना के दोनों में कब्जा करके रखा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अलग एक पॉलिसी बनाया, तीन तलाक बिल पास कर दिया, उसके बाद सीएए को इंप्लीमेंट करने के लिए, एनआरसी को चलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये सब हमारे देश में हो रहा है। सब इसमें सरकार बहुत सारे एजेंसीज को यूज करके, जो लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको सरकारी एजेंसीज को बेच के परेशान कर रहे हैं। कहीं जगह पे आईटी को बेच रहे, कल परसों तो यूपी में भी इनकम टैक्स वाला आ गया, कहीं जगह पे ईडी वालों को बेच रहे, कहीं जगह पे नार्कोटिक्स ला रहे, कहीं जगह पे दूसरी एजेंसी एनआईए जा रहे। ये सारे एजेंसी हमेशा हमारे साथ गुजर रहे। ये सरकार सबको परेशान करके, बंद करके एक विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश चल रहा है। अभी सरकार कुछ लोगों के लिए काम कर रहे, सबके लिए नहीं, हमारे देशवासियों के लिए सरकार काम नहीं कर रहे, कुछ लोगों के लिए काम कर रहे। किसानों की प्रोटेस्ट आप लोग देखा है, सरकार कह रहे ये किसानों के लिए बनाया है, किसान कह रहे हमें नहीं चाहिए। सरकार के नजर में सिर्फ दो ही किसान है, आप सभी लोग किसान नहीं है, सिर्फ दो ही किसान, एक अंबानी और एक अदानी। ये दोनों किसानों के लिए कानून बनाया, लेकिन देश के पूरे किसानों ने बताया ये बिल हमें नहीं चाहिए, वापस लिया, फार्मर्स बिल को वापस लिया। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट याद रखिए, ये शुरुआत है, आप लोग जो बिल लेके आया है वो सारे बिल आपको वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे देश की जनता ये इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इजाजत नहीं देगा, वापस लेना ही पड़ेगा। देश के सारे प्रॉपर्टी सही कर रहे, अभी हमारे देश जीरो है, कुछ नहीं, जमीन सही कर दिया, आसमान सही कर दिया, समंदर सही कर दिया, सीपोर्ट सही कर दिया, एयरपोर्ट सही कर दिया, पहले इंडियन रेलवे था, अभी अदानी रेल हो गया, पहले इंडियन ऑयल था, अभी अदानी ऑयल हो गया, लास्ट एयर इंडिया भी सही कर दिया, और अभी पार्लियामेंट बाकी है, वो नया पार्लियामेंट बनाने के बाद वो भी सही करेंगे, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, सब सही कर दिया। इसमें सही करने वाला लोग भी गुजराती है, परचेस करने वाला लोग भी गुजराती है, इसमें यूपी वालों को जगह नहीं, मध्य प्रदेश वालों को हिस्सा नहीं, बाकी किसी को भी नहीं, सब सेल कर रहा, हमारे देश बर्बाद हो। देश की जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे,
इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट राजनीति के बारे में चर्चा करने के लिए डरते हैं। देखो अभी 2-3 महीने के बाद यूपी में चुनाव आ रहे, आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार अभी तक कुछ इसका 5 साल में हम लोग आम जनता के लिए ये किया है बोल के बोलने के लिए नहीं आ रहे। वो लोग मस्जिद मंदिर की बात कर रहे, शिवजी और औरंगजेब के बारे में बात कर रहे। क्या औरंगजेब यहाँ पे कंडक्ट करना चाहते हैं क्या? छत्रपति शिवजी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं क्या? फिर ये दोनों को लेके क्यों आ रहे? आप लोग ये बताइए, 5 साल में हम लोग आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये किया है बोल के खुल करके बोलना है, लेकिन हिम्मत नहीं क्योंकि कुछ नहीं किया। चाइना हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे हम तो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। हमें हमला कौन कर रहे? चाइना। अटैक हम लोग कहां कर रहे? अफगान में जाके कर रहे। क्या मतलब है उसका? मतलब क्या है? मतलब राजनीति चर्चा करने के लिए संघ परिवार को हिम्मत नहीं। इसलिए जो लोग राजनीति बात करना चाहते हैं ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन हमारे विपक्ष पार्टी लोग क्या कर रहे? बीजेपी कह रहे विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन विपक्ष पार्टी क्या कर रहे? राहुल गांधी ये कह रहे हम तो हिंदू सरकार बनाएंगे, हिंदू सरकार बनाएंगे। हमारे सवाल ये है, राहुल जी आपके हिंदू सरकार में मुसलमान की जगह कहां है? दलितों की जगह कहां है? ओबीसी वालों की जगह कहां है? हमारे देश की दूसरी माइनॉरिटी की जगह कहां है? अगर ये लोगों को आपके सरकार में जगह नहीं है तो फिर आपकी हिंदू सरकार, योगी जी की हिंदुत्व सरकार में फर्क क्या है? बताइए क्या फर्क है? इसलिए यहां के विपक्ष पार्टियों की हमारे गुजारिश ये है, आगे आप लोगों को बीजेपी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों को बीजेपी को रोक नहीं सकता है क्योंकि आप लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म में खड़े होके वही एजेंडा बता रहे, वही एजेंडा, दूसरी एजेंडा आप किसी के पास नहीं है। बीजेपी थोड़ा सख्त से बोल रहे, आप लोग थोड़ा नरम से बोल रहे, एजेंडा तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। लोग क्या करेंगे? अगर हिंदू सरकार किसी को पसंद है तो वो लोग किसको चुनाएंगे? बीजेपी को या दूसरी पार्टी को? हम लोग तो सालन में नमक डालते हैं, नमकीन डालने का आदत नहीं है। ये सभी विपक्ष पार्टी के लोग याद रखना चाहिए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में दो नारा लेके काम कर रहे हैं। एक नारा ये है भूख से आजादी और एक खौफ से आजादी। हमारे देश के जो बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसले है, ये दो मसले से हमारे सबको आजादी मिलना है, उसके लिए काम करने वाला सियासी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये
किसी धर्म के नहीं है, ये किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, ये देश की जनता के लिए काम कर रहे, ये देश की जनता की आवाज, ये पार्टी की आवाज है। मतलब जिनको हमारे देश में आवाज नहीं है उनके आवाज बना के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे देश में काम कर रहे। हमारे देश में आज जो लोग परेशान है, मजलूम है, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी नहीं। बोलोगे इलेक्शन के टाइम में कुछ बोलेंगे, इलेक्शन के बाद आराम से बैठे, कुछ करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन आज पूरे इंडिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमान के लिए, दलितों के लिए, मजलूम के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पूरे सड़क पे काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है, लोकसभा के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है, लेकिन हमारे देश की सड़क पे बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक विपक्ष पार्टी है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में हमारे देश में सिर्फ दो ही विचारधारा रहेगा, एक बीजेपी के लीडरशिप में संघ परिवार की विचारधारा, दूसरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा रहेगा, उसके अलावा तीसरी एक विचारधारा नहीं रहेगा। हमारे देश के विपक्ष पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो, क्योंकि ये देश की जनता की आवाज है। इसलिए ये पार्टी को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, ये पार्टी को आगे लेके जाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आज भी केरला के अंदर हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी को संघ परिवार के लोग मर्डर किया है, उन्होंने शहीद हो गया, अल्लाह उनको शहादत अता फरमा और उनको जन्नत अता फरमा। बीजेपी ये चाहते हैं अगर हमारे एक लीडर को नहीं है तो एक कैडर को मर्डर किया है तो हम लोग ये सारे बंद करके आगे जाएंगे, ऐसा नहीं। हम कभी भी ये एजेंडा छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। एसटीपीआई हमेशा जनता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई करते रहेंगे सड़क पे, ये रोकने के लिए दुनिया में कोई नहीं है, हम आगे जाएंगे। एसटीपीआई आ गए तो काम करेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे, देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, हम संविधान को लेकर काम कर रहे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हमारे सामने जो बैठा है आप लोग, ये पैगाम को हर गली गली में पहुंचाना, हर घर पे पहुंचाना, उसके बाद ये देश की जनता की इंसाफ के लिए लड़ाई हम करना, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं।
और हमारे पार्टी को रोकने के लिए किसी हालत में भी काम किया है तो भी हम नहीं रोकेंगे, हम आगे जाएंगे। हम लोग आने के टाइम में संघ परिवार को सिर्फ दो ही रास्ता है, एक तो शहीद हो जाओ, नहीं है तो सही हो जाओ, तीसरी रास्ता नहीं। तीसरी रास्ता के लिए संघ परिवार कोशिश मत करना है, अगर कोशिश किया है तो वो बेवकूफी काम है। आप लोग बेवकूफी काम मत करना चाहिए, क्योंकि हम इंसाफ के लिए काम कर रहे, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे, हमें रोकने के लिए कोशिश मत करना है। ये मैसेज हर गली में आप लोग पहुंचा रहा है। आप सभी लोगों को और एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये प्रोग्राम मैं निराकरण करता हूं, सबको शुक्रिया। जय हिंद, जय एसटीपीए।